बाप दादा चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांसेस अनुसार कई अज्ञानी भी रह लेते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों के कारण। कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, शादी हुई नहीं, कई जिम्मेवारियों करके उनके बहन भाई बोल वो बड़े थे खुद, छोटों की करते करते अपना टाइम निकल गया, ऐसे भी हैं। और कई तो ऐसे डरे हुए हैं, मैंने लड़कियां कई देखी मेरे पास आती हैं, वो डर के मारे शादी नहीं करती। मान लो जिसके माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, कोई बड़ा भाई बहन, कोई ननद के चक्कर में। हाँ, लड़के बहुत लड़कियों से डरते हैं। सन्यासी भी रहते हैं, अज्ञानी भी कई रहते हैं, बावन कहा, लेकिन हालातों को कारण। हालात ऐसे हैं कलयुग में, ऐसे पता कितनी कंपनियों की सीईओ जो लड़कियां हैं सबसे ऊंचे पद पे बैठी, उन्होंने शादियां नहीं की, कहती फिर ये गोरख का धंधा चालू हो जाएगा, टाइम नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास ये इसके लिए टाइम नहीं, सोचने की फुर्सत नहीं। अभी ईरान, वहाँ ईरानी थे ना दो, वो जो अभी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, मसूद और मासूम में, उनका फोन आया था, कहते हैं सर मैं क्या बताऊँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ के लोग 100 में से 99 तो नास्तिक हैं, नास्तिक, ना वो क्रिश्चियन को मानते ना वो मुस्लिम को मानते, किसी भी धर्म को मानते नहीं, उनका एक ही धर्म है पैसा। और कहते मज़ेदार बात यह है उसमें कई मेजोरिटी ने शादी भी नहीं कर रखी, उम्र काफ़ी हो गई, बस पैसे कमाने का ऐसी धुन सवार है भी उसका क्या करना है। हाँ, उनका सारा प्यार पैसे में ही, और नास्तिक है ना, तो शादी भी नहीं कर रहे। कहते मैं तो सोच रहा हूँ कंपनी छोड़ दूँ। तो ऐसी ऐसी दुनिया अजीब सी आ गई मेंटल ऑस्ट्रेलिया में। वो अपनी किसी कंपनी जहाँ नौकरी करता उसकी बात बता रहा था। तो बाबा कहते हैं कई भक्त भी ब्रह्मचारी रहते हैं ऐसे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा भी अंतर रह गया तो भी, तो वो भी स्वच्छता अथवा पवित्रता नहीं मानी जाएगी, कितना सूक्ष्म। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अब सोचो कौन ब्रह्मचारी हुआ इस दुनिया में? कोई भी ब्रह्मचारी नहीं, क्योंकि मन से चिंतन तो बाबा कहता है कर ही लेते हैं। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया नहीं है ना भाई, हमने अपनी इंद्रियों से कोई गलत काम तो किया नहीं, किसको दुख तो दिया नहीं। अगर बाबा ने कहा वो समय अगर आपका व्यर्थ गया, फालतू की बातें सोची बिना सिर पैर के, वो व्यर्थ जाना भी जो है, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकते, 15 कला, 14 कला, 14.5, 15.5 नंबर वार हो जाएगी। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप काम कर्म करना नहीं है, मोटा ये बहुत मोटा है मतलब, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र।
ये कहते हैं ना, मेरे तो मुख से निकल गया, करना तो नहीं चाहता था कर लिया, बोलना नहीं था बोल लिया, इसको क्या कहेंगे। कई बार होता है ना, हमें पता भी नहीं होता हम रिएक्शन क्या करेंगे। जैसे किसी ने हमारे मन मुताबिक बात नहीं की तो हम पता नहीं किस तरह रिएक्ट करें, कोई पता नहीं। दुनिया में ना स्वभाव गहरे में, मान लो थोड़ी देर दब गया ज्ञान से, मान लो आप यहाँ आते रहते हो, तो कई हमारे स्वभाव संस्कार ना दब जाते हैं। पुराना छोड़ दो फिर जाग जाते हैं पुराने। बाबा कहते हैं इसका मतलब अंदर पड़ा हुआ है, अंदर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं ना कुएं में मान लो पानी नहीं है, उसमें बाल्टी डालो पानी आएगा ही नहीं। तो कहते हैं कि गुस्सा इसी तरह है जैसे कोई आप में बाल्टी डाले और आप में तो वहां खूब भरा पड़ा अंदर, बाल्टी डालने में ना कुछ ऐसी बात कह दे तो हम तो जो है उसका ईंट का जवाब, और फिर खुश भी बड़े होते हैं। मैंने मैदान मार ली। तो बाबा कहते हैं निकल गया, बोलना नहीं था बोल लिया, इसको क्या कहें, मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प बोल कर्म सेवा सबको चेक करो, मोटे रूप में नहीं। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दी है, मुरली कितनी हल्की होती है और तीर कमान कितना मेहनत का, फिर उसमें तरकश भी होता है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो नाचो गाओ हंसो खेलो, मुरली बजाओ मस्ती में चले जाओ। तो इसलिए मोटे मोटे रूप का पुरुषार्थ ना करो। कई लोग ना यही कहते हैं हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, कि हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमने कोई हक नहीं मारा किसी का, तो हमने तो कोई पाप कर्म इस जन्म में तो कराया नहीं जी, है ना। लेकिन व्यर्थ संकल्प का बाबा कहता है व्यर्थ वचन कभी नहीं बोला, व्यर्थ कभी नहीं सोचा, टेंशन में कभी नहीं आए। तो बाबा कहते हैं पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाओ, और मुरली देखो नाचो गाओ हंसो खेलो। इसलिए मोटे रूप से ना पुरुषार्थ रखो, चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो। कैसी बुद्धि बननी, सूक्ष्म महीन, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। बाबा ने पता नहीं इसी साल में अचानक, अभी जैसे है अभी खबर आ जाए वो बम चला दिया एटम बम, क्या कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं मोटे रूप का पुरुषार्थ नहीं, महीन बुद्धि से चेक करो। बताकर विनाश नहीं होना है, बाप दादा ने पहले ही कह दिया कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं, बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। जैसे बाबा कह दे भी 3 साल बाद विनाश होगा और फलानी तरीक से शुरू हो जाएगा, तो हम लोग जो है ना बाबा को कम और तरीक को ज़्यादा याद कर है। तो वही बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को टाइम कॉन्शियस नहीं बनाना चाहता, सोल कॉन्शियस बनाना। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है, डायमंड जुबली मनानी है, डायमंड बनना, क्या करना है, बनना भी है मनाना भी, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। मतलब अपने बाबा ने पूछा, हाँ जी बाबा मुँह मियाँ मिट्टू, तो कौन से हो, कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले। जैसे कई बार लोग नहीं वादे करते हैं, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकूंगा,
जन्म जन्म का साथ है, सात जन्म तक कट्ठे रहेंगे। और अभी इनको बारिश हो रही है, कोई जरा सब्जी ले आ दे। दिखता नहीं, बार बार सुन, क्योंकि जन्म जन्म का साथ था जो का, हाँ वो तो है ही है, अब भी है, पर सब्जी का नहीं है। कहना मानने का साथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं उसमें, मैंने नहीं कहा था बाबा, बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करनी चाहिए या देरी से करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। शुभम शीघ्रम, शुभ जो है उसको शीघ्र करो, अशुभम अशीघ्रम, अशुभ को टालते रहो। मान लो आपके मन में कोई उल्टा ख्याल आया, उसको टालते रहो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जो शुभ आए उसी क्षण करो। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, स्विच ऑन, अंत में कैसी अवस्था होनी चाहिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ। कितनी देर लगती, सोचा और हुआ, सोचना और उसमें स्थित होना। बाप दादा ने फिर कुछ मिनटों तक सभी बच्चों को ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। करनाल में ना ब्रिज पुष्पा दादी होती थी, जो यज्ञ की आदि रतन थी, मतलब घर बार छोड़ने वाले, नौ बहनें थी, उनमें से छह ज्ञान में चलती थी। एक उनकी बहन दिल्ली में थी, कृष्णा नगर से, सबकी शक्लें एक जैसी लगती थी। तो ब्रिज पुष्पा दादी अशरीरीपन पे बहुत बोलती, जब भी मिलते थे तो यही हमें कहती थी, अवतार भाई सबसे ज्यादा पुरुषार्थ ना अशरीरी बनने का करते, है ना, अपने को अशरीरी, मैं शरीर के बिना। वही बाबा ने कहा, अगर किसी भी बात में कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उनको भी एक सेकंड की ड्रिल करा दो, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव या अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। कारण पता करता है, जैसे आप कोई बात सुनते हो उसी क्षण जो है आपकी बुद्धि इधर उधर भागने शुरू, उस वक्त सीधी लगती नहीं, आप उस वक्त सोचो अशरीरी या परम धाम वासी, उसी क्षण हो जाए। तो फिर चारों तरफ कुछ भी होता रहे, मान लो शरीर भी छूट जाए लेकिन आप उस अवस्था में थे, तो कोई अरमान नहीं, अफसोस नहीं कोई, नहीं तो अफसोस होगा अभी इतने साल ज्ञान में चले और अंत में भाग लिए। अशरीरीपन का अनुभव ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले ले, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरीपन होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। बाबा ने कहा टचिंग हो गया, टाइम खत्म हो गया।